इफ्रा, आप गौरव भाटिया की बातों से असहमति जता रही हैं, क्यों? लेकिन बहुत हैरानी होती है जब गौरव भाटिया की भाजपा की तरफ से देश की थाली में बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में क्या जिसके पास कर्नाटका में 1200 किलोग्राम ड्रग मिला वो बीजेपी का कार्यकर्ता मिला, तो आप देश की थाली में छेद करने की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। जहां तक बात आती है गांजा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने रिया चक्रवर्ती को 50 ग्राम भांग पीने पे अरेस्ट कर दिया है, तो 50 ग्राम भांग, जहां तक दीपिका जी की बात आती है, भांग 50 ग्राम से कम अगर आपकी पोजेशन में हो तो आप पे 6 महीने तक आप जेल जा सकती हो, यूजुअली फाइन हो सकता है। और इस केस में तो दीपिका जी के पास कोई पोजेशन तक नहीं मिली है, 6 महीने जेल जाना तो दूर की बात। दीपिका जी को साफ साफ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो जेएनयू गई, क्योंकि उसने वहां बच्चों का समर्थन किया। यही बात है, इसकी वजह से बीजेपी ने अब एनसीबी दीपिका जी के पीछे लगा दी है। जब ये बात हम समझ पाए, कंगना जी का जब ऑफिस गिराया गया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऑफिस इलीगल था, कोई नहीं, लेकिन उसको इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसने हमारी देश से सवाल किए। तो वही चीज आज दीपिका जी के केस में समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को कि अगर आपको 2017 की चैट पे आप उसको, ये बीजेपी की सरकार उसके पीछे इसीलिए पड़ी हुई है क्योंकि एक तो साफ साफ डिफ्लेक्शन हो जाता है ताकि कोई ये ना देखा कि कोरोना की केसेस कहाँ पहुंच गए, जीडीपी कहाँ पहुंच गई, रोजगार कहाँ पहुंच गया, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई। एक तो बहुत बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन हो गया और साथ में देखो जी, जो जेएनयू के साथ एसोसिएटेड है वो सभी क्रिमिनल है। तो जेएनयू चले गए छपा के प्रमोशन में गौरव भाटिया जी, इस वजह से दीपिका के साथ ऐसा हो रहा है। चित्रा जी देखिए, ये भी एक गजब का आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। जनवरी 2020 में दीपिका जी जेएनयू गई थी और 8 और 9 महीने बाद हमारी सरकार को याद आया वो जेएनयू चली गई है। अरे इफ्रा जहान कितनी जगह गई, पड़े हुए हैं, आज आपको कुछ मिल गया, ऐसे बात ही नहीं करेंगे। पड़े हुए हैं और आज आपको उसके खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत मिल गया और मिला क्या, एक चैट। इनको चुप करा दीजिए, आदतन मजबूर है ये, ऐसे ही बीच में आ जाती हैं और बोलने लगती हैं। प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर, बोलिए बोलिए। देखिए 9 महीने बाद 8 महीने बाद कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो जेएनयू गई थी। तो भाई श्रद्धा कपूर क्या जेएनयू गई थी? बाकी जो बड़े नाम आ रहे हैं वो जेएनयू गए थे? आप बताइए, अनुराग कश्यप के खिलाफ एक महिला ने आके गंभीर आरोप लगाए तो क्या वो सरकार ने करा दिया? और कंगना रनौत का घर टूट गया तो कोई बात नहीं, वो महिला नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वो गटर भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ये अभिव्यक्ति गैंग अपनी छाती तब पीटता है जब इनको सुविधा होती है, वरना ये बिलों में घुस जाते हैं। और एक बड़ी अहम बात बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कानून सबके लिए बराबर है, कम से कम देश के साथ खड़ा होना सीखिए। और ये बीजेपी नॉन बीजेपी मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा ना करिए कि देश का विरोध करने लगे। बोलिए इफ्रा, जल्दी से अपनी बात कहिए, करण मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। जिसको 1200 किलो ड्रग्स लेके पकड़ा गया वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप ये भाषण जो है तो खुद ही आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए रखे। अच्छा, सारा जो है ना 1200 किलो वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था और तब भी कार्रवाई हुई है तो आप ही मान रहे हैं। ओपीएम पकड़ा गया मणिपुर में, जिसके पास 27 किलो ओपीएम पकड़ा गया, यानी हार्ड ड्रग्स बीजेपी का कार्यकर्ता था। 50 ग्राम गांजा ले रही है, मतलब कार्यकर्ताओं को अपराध नहीं है। एनडीपीएस एक्ट पढ़िए, पहले एनडीपीएस एक्ट पढ़िए, सेक्शन 27 ए क्या कहता है पढ़िए, जिसमें कार्रवाई हो रही है। हवा हवाई बात तो मत करा दीजिए कि क्या सजा है, 50 ग्राम से कम पोजेशन हो तो क्या सजा है, आप बता दीजिए। आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, कानून की जानकारी आपको दे दूं, आप ही जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर महिला आपकी सुविधा अनुसार आरोप लगाए तो आपके साथ है तो वो सही है, और कंगना रनौत गलत हो जाती है। अनुराग कश्यप पे कोई आरोप लगा दे तो वो महिला नहीं रहती है, यही तो दोहरा चरित्र है आपका। नहीं नहीं, एक एक करके इफ्रा जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आबा सिंह जी भी कुछ बोल रही हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या पाकिस्तान में बनेगी? ठीक है, आबा जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद अनुप जलूजा जी मैं आपके पास आऊंगी। काम करने दीजिए ना, अभी पता चल जाएगा कितनी सजा होगी। आबा जी, आबा जी, एक सेकंड, चक्रवर्ती को इफ्रा, आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती के लिए नहीं मिली कोर्ट से, अगर आपको नहीं पता हो तो जानकारी दे दूं।
रिया चक्रवर्ती जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती का अभियान आप ही लोगों ने चलाया था। आपको वो 15 करोड़ मिले, नहीं दी रिया चक्रवर्ती को, आपके हिसाब से तो रिया चक्रवर्ती टारगेट की जा रही थी। 50 दिन हो गए क्या मिला? आप लोग देश को घुमाइए मत, एक दिन रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन दीपिका पादुकोण, दूसरे दिन कंगना रनौत। क्या है हमारे देश की, ठीक है हो गई आप दोनों की तूतू मैमे से, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात होने पाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।